बीएसएफ आर्टिलरी हेडक्वार्टर फरीदकोट के सेवामुक्त ब्रिगेडियर राजीव लो के नेतृत्व में 50वीं गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें साइकिल रैली, मेडिकल कैंप, सांस्कृतिक प्रोग्राम सहित कई खेल मुकाबले शामिल हैं। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत एक साइकिल रैली आरबीएसएफ आर्टिलरी भुज से 16 जुलाई से शुरू हुई, जो गुजरात, राजस्थान और पंजाब से होती हुई फरीदकोट पहुंची, और दूसरी 26 जुलाई को जम्मू से शुरू हुई, जो कश्मीर से होती हुई आज फरीदकोट पहुंची, जहां दोनों साइकिल रैलियों का स्वागत ब्रिगेडियर राजीव लो, डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट विमल सेतिया, एसपी कुलदीप सोही, जेल सुपरिंटेंडेंट जोगिंदर पाल सहित हेडक्वार्टर में मौजूद सभी अधिकारियों और जवानों ने किया, जिसके बाद ये साइकिल रैली आरटी हेडक्वार्टर के कर्मचारियों और 50 साइकिल जवानों के साथ 13 अगस्त को अटारी के लिए रवाना होगी, जहां सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल 15 अगस्त को फ्लैग इन करेंगे। और इस संबंधी जानकारी देते हुए राजीव लॉ और साइकिल रैलियों की कमांड कर रहे कमांडर्स ने बताया कि ये रैली लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और रास्तों में अलग अलग स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया आंदोलन और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान संबंधी जागरूक कर रही है। उन्होंने बताया कि जहां रैली रुकती है, स्थानीय लोग अपनी मर्जी के साथ उन स्थानों पर स्वागत कर रहे हैं और नौजवान अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं। इसके लिए उनको एसएससी द्वारा भर्ती कैसे जाती है, इस संबंधी पूरी जानकारी भी दी जा रही है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। साइकिल रैली का उद्देश्य एक तो यह है कि हमारी जो स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं बीएसएफ आर्टिलरी के 50 साल, उसको उसी में हमने कई कार्यक्रम सोचा कि हम करेंगे। उन कार्यक्रमों में एक सबसे बहुत ज़रूरी कार्यक्रम, बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम ये था, साइकिल रैली, गोल्डन जुबली साइकिल रैली के नाम से ये जाना जाता है। ये साइकिल रैली, जैसे मैंने आपको बताया, भुज और बारामूला से चल करके यहाँ पहुँची है, और यहाँ से ये पूरे 50 साइकिलिस्ट अटारी बॉर्डर पर जाएंगे, और अटारी बॉर्डर पर जा करके वहाँ पर 15 अगस्त को हमारे डीजी बीएसएफ इसको फ्लैग इन करेंगे और वहाँ पर ये रैली समाप्त होगी। तकरीबन 2400-2500 किलोमीटर के आसपास ये पूरी रैली तय करेगी जब ये अटारी पहुँचती है। रैली के इस हिस्से की शुरुआत बारामूला से 26 जुलाई को हुई थी, जहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया था। उसके बाद हम जम्मू आए, जम्मू के बाद हीरानगर, पठानकोट, धारीवाल अमृतसर, हरिकेपट्टन और फिर फाइनली फरीदकोट आए। इस साइकिल रैली के दौरान हमारा काम आम जनों से जुड़ना था और उनको बीएसएफ आर्टिलरी के बारे में जागरूक करना था, वह साथ ही नवयुवकों को बीएसएफ में भर्ती के लिए प्रेरित करना था। उसके साथ ही जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छता अभियान, उसके बारे में आम लोगों को जानकारी देना था। आज क्या हमें पूरे जहां भी हम गए, जहां से भी हम मिले, सभी लोगों ने हमारा अपार स्वागत किया और हमें बहुत खुशी हो रही है कि देश अभी भी देश में इस प्रकार से देशभक्ति और देश प्रेम की भावना अभी भी बनी।